कहते हैं अकलमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। भारत ने अब समझा दिया है तुर्की को चारों तरफ से घेर लिया है। भारत के खिलाफ आना तुर्की को बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। तो वहीं क्या बिलावल भुट्टो परवेज मुशर्रफ की चाल चलेगा? जो 2001 में हुआ था क्या वैसा ही करेगा इस बार मीटिंग में आने के बाद? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। सबसे पहले बात करें तो खुशखबरी की, और वो खुशखबरी है भारत ने $400 बिलियन का सिर्फ अकेले का सर्विस एक्सपोर्ट किया है। सर्विस का मतलब जैसे हम आईटी सर्विस देते हैं, कॉल सेंटर की सर्विस होती है, इन्हें कहते हैं सर्विस। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, इन्हें कहते हैं सर्विस। और इस तरीके की सर्विस एक्सपोर्ट अकेले का $400 बिलियन का किया है, जबकि कुल करीब $700 बिलियन के आसपास हुआ है व्यापार। इसके अलावा कहा जाता है कि नेक्स्ट आंकड़ा में $1 ट्रिलियन का व्यापार साफ साफ दिखेगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है और बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है भारत की। जिस तरीके से भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है वो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ भारत के लिए ये खुशखबरी है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर आ रहा है बिलावल भुट्टो। आने से पहले एक कांड जम्मू कश्मीर में हो चुका है। इस कांड के बाद बिलावल भुट्टो का भारत के एसईओ समिट में आना बहुत सारे क्वेश्चन को बढ़ा रहा है। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने जो किया था क्या वही बिलावल भुट्टो करेगा? परवेज मुशर्रफ अपनी पूरी टीम के साथ भारत आया था और भारत में 3 दिन का सम्मेलन हुआ था। इस 3 दिन के सम्मेलन में परवेज मुशर्रफ ने अपने टीम में डिफेंस के एक्सपर्ट और भी कई तरह के लोगों को रखा था, और ये लोग क्या करते थे, होटल में जहां मौका मिले वहां भारतीय मीडिया कर्मियों को पकड़ते थे और उन्हें अपनी प्रोपेगेंडा वाली बातें बताते थे, अपनी झूठी बातें बताते थे। 3 दिनों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही काम किया। भारतीय प्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते थे, जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन भारतीय प्रतिनिधि झूठ नहीं बोलते थे, जबकि इन्होंने भर भर कर झूठ बोला। अब बिलावल भुट्टो वही वाला चाल चलेगा। परवेज मुशर्रफ पूरी तरीके से कामयाब हुआ था अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में। चूंकि कहा जाता है कि दुनिया भर के मंच में तो कश्मीर मुद्दे को उठा नहीं पाया पाकिस्तान, लेकिन भारत के अंदर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगा, भारतीय मीडिया को पकड़कर कुछ से कुछ बोलने की कोशिश करेगा, कुछ जवाब देगा और कुछ झूठ फैलाएगा। कुछ क्या कहें, पूरा ही झूठ फैलाएगा, यही सच है। अभी जो जम्मू कश्मीर में जो एक अटैक हुआ है, इस हमले के बाद भारत इसका जवाब देगा, ये तो पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है। जिसके भी लिंक निकल कर सामने आएंगे उसे बहुत तगड़ा वाला जवाब मिलेगा, पर इसके प्रोपेगेंडा को भी फेल करना होगा। वैसे ये आज का भारत है और आज का भारत एकदम अलग है। 22 साल हो चुके हैं उस घटना को, 22 साल में ये भारत बदल चुका है, और ये भारत कैसे रिएक्शन दिखाएगा ये तो आने वाले समय में दिख ही जाएगा। पर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो अगर भारत आ रहा है तो ये बिना किसी साजिश या बिना किसी षड्यंत्र के नहीं आ रहा होगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ तुर्की तो आपको याद ही होगा ना, अभी हाल फिलहाल में भूकंप आया था तुर्की में, और उस तुर्की की मदद करने के लिए हमने 24 घंटे की भी देर नहीं लगाई थी। 24 घंटे में ही हमने भेज दिया था मानवीय सहायता टीम, जो वहां पर रही उन्होंने वहां के लोगों की मदद। हालांकि वहां के आम लोग भारतीयों का धन्यवाद देते थकते नहीं है, लेकिन तुर्की का जो ये नेता है अर्दोगन चाहता है दुनिया भर के मुस्लिमों का खलीफा बनना, और मुस्लिमों के खलीफा बनने के चक्कर में अर्दोगन ने तुरंत से कश्मीर मामले में पाकिस्तान का साथ दे दिया, जो सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। भारत समझ गया यहाँ दोस्ती वोस्ती नहीं चलने वाली है, जैसे को तैसा जवाब देना होगा। भारत ने एक एक्शन लिया कि तुर्की के पड़ोसी ग्रीस के साथ न सिर्फ हाथ मिला ली, बल्कि ग्रीस के साथ मिलकर पहली बार इस इलाके में सैन्य अभ्यास करने लगा। यानी तुर्की, अगर तुम पाकिस्तान का साथ देने के लिए हमसे लड़ने के लिए आओगे तो हम तुम्हारे घर में घुसकर लड़ेंगे, ये बता दिया भारत ने।
भारत और ग्रीस का सैन्य संबंध बहुत तेजी से बढ़ने लगा। एक तरफ तुर्की इस चीज से परेशान अभी हो ही रहा था कि भारत ने आर्मेनिया को हथियार वगैरह बेचने शुरू कर दिए। अब ये हथियार बेचने से आर्मेनिया का पड़ोसी अजरबैजान परेशान होने लगा। और अभी हालात कैसे हैं आपको बता दें, अभी हालात ऐसे हैं कि अजरबैजान और ईरान में भी भिड़ंत की संभावना हो गई है। अजरबैजान ने ईरान से अपने दूतावास कर्मियों को निकाल लिया है क्योंकि उसके दूतावास में हुआ था हमला। और इस हमले के बाद जब दूतावास से निकाले गए तब से ये कहा जा रहा है कि अजरबैजान और ईरान में ही लड़ाई हो जाएगी। दरअसल ईरान की भी सीमा लगती है अजरबैजान से, और ऐसे में अजरबैजान दावा करता है कि ईरान का भी एक बड़ा हिस्सा उसी का है। और यहाँ पर भी अब तनातनी चलनी शुरू हो गई है। ऊपर से अजरबैजान और इसराइल के बीच है अच्छी वाली दोस्ती, और इसराइल नहीं चाहता है कि ईरान कभी अपने परमाणु हथियार बना सके। अब जिस तरीके से अपने परेड में ईरान ने बहुत सारे हथियारों को दिखाया है, ऐसे में इसराइल अजरबैजान से चाह रहा है मदद कि अजरबैजान ईरान को ठोंक दे। ईरान और अजरबैजान में बन रही है तगड़ी वाली टेंशन। अब यहाँ पर भारत का एक अलग ही कदम जा रहा है, क्या इसराइल इससे नाखुश होगा? दरअसल भारत ने एक बड़ी बैठक की है। भारत, ईरान और आर्मेनिया, इन तीन देशों की बैठक में बहुत तरह की चीजें डिस्कस हुई है। जैसे जो क्षेत्रीय इशू हैं उनको डिस्कस किया गया है, इसके अलावे इकोनॉमी, व्यापार, इसको भी डिस्कस किया गया है। अब जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर जब डिस्कशन हो रहा है, यानी अजरबैजान का मामला भी आ रहा है। वैसे आपको बता दें आर्मेनिया की तरफ से अमेरिका खड़ा है, और आर्मेनिया ने हाल ही में CSTO से निकलने का ऐलान कर दिया है, यानी रूस का साथ छोड़ दिया है। ईरान, आर्मेनिया और भारत तीनों एक टेबल पर दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ एक बड़ी चीज तैयार हो रही है। लेकिन क्या ये तुर्की के खिलाफ, या पाकिस्तान के खिलाफ, या अजरबैजान के खिलाफ? वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ये नया गठबंधन बनाकर सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।